मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज वल्लभ भवन में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आज की कैबिनेट की बैठक विभाग वितरण के बाद की पहली बैठक थी, पर हमारी मान्यता है कि यह मील का पत्थर साबित हुई गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए। आज कैबिनेट ने तय किया है, आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट में दी है। ये ऐसा कदम है जो गरीब के कल्याण में मील का पत्थर साबित होगा। कोई भी साहूकार द्वारा अब ब्याज अपनी मर्जी से वसूला नहीं जा सकता है। राज्य द्वारा जो ब्याज निर्धारित होगा वही लेना पड़ेगा। वो युग आज से समाप्त जो पठानी ब्याज के रूप में जाना जाता था, अब कोई पठानी ब्याज नहीं लगेगा। ये किसान की सरकार, किसान के बेटे शिवराज सिंह की सरकार। इसी तरह से अपंजीकृत साहूकार कोई भी बीच में नहीं जाता है। NBFC के ऊपर से ये जो है प्रावधान, ये नियम लागू नहीं होगा। अनुसूचित जनजाति का भी एक संशोधन विधेयक आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट में आया और मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक, जो हमारे जनजाति भाई, जो वनवासी भाई, जो दूर सुदूर ग्रामीण अंचल में रहते हैं और उनको भोले वाले लोगों को जो ब्याज ले लिया जाता था, अब ये पूर्णतः 15 अगस्त 2020 तक ये पूरा का पूरा माफ कर दिया जाएगा। ये विधेयक दोनों ही विधानसभा में लाए जाएंगे और स्थापित किए जाएंगे, महामहिम को भी भेजे जाएंगे। इसी तरह से यह अधिनियम राज्य एवं केंद्र सरकार, बैंक, NBFC, रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वित्तीय संस्थाओं, कंपनियों, सहकारी संस्था, स्वसहायता समूह एवं मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति विनियम के अधीन पंजीकृत साहूकार के द्वारा दिए गए ऋण के ऊपर लागू नहीं होगा। इस अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन करने पर 3 साल की सजा और 1,00,000 रुपये का जुर्माना इसके ऊपर रखा गया है। इन अधिनियम के प्रावधान को कलेक्टर को क्रियान्वयन के लिए अधिकृत किया गया है। एक अन्य निर्णय में, महत्वपूर्ण निर्णय में, जो कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने जनता का अधिकार छीना था, एक खरीद फरोख्त के सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, मशीनरी का, शास्ती का दुरुपयोग करने के लिए नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम में उन्होंने जिस तरह से जो सीधा जनता का अधिकार उसे उसे वंचित किया था और इनडायरेक्ट चुनाव कर दिया था, पार्षदों के द्वारा कर दिया था, जिससे वही विकृति जो कांग्रेस के द्वारा पैदा की गई है उसे बढ़ावा मिलता, उस पर लोग लगेगा। और आज कैबिनेट के अंदर ये तय किया गया है कि अब ये चुनाव जो बदलाव कांग्रेस की सरकार ने पार्षदों के द्वारा चुनाव का किया था, अब वह सीधा जनता के द्वारा ही नगर पालिका में, नगर पंचायत में और नगर पालिकाओं में होगा। नगर सीमा वृद्धि और वार्डों की संख्या में बदलाव और परिसीमन की कार्यवाही की समयावधि 2 माह के स्थान पर अब 6 माह किए जाने का भी आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है। इसी तरह से मध्य प्रदेश सहकारी संशोधन विधेयक, इसमें भी हमारे जनप्रतिनिधि जो अलग रखे गए थे, दूर रखे गए थे, मैं नहीं कहता कि उपेक्षित रखे गए थे, पर अब विधायक और सांसद भी इसके संशोधन के बाद से, धारा 48 के संशोधन के बाद से अध्यक्ष पत्र के आज से पात्र हो जाएंगे। ये विधेयक भी विधानसभा में लाया जाएगा। 52 और 53 में जो प्रशासक नियुक्ति का अधिकार था उसमें भी संशोधन प्रभावित किया गया है और अब इसमें 52 और 53 में रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त सोसाइटी के 3 सदस्य, रजिस्ट्रार के प्रतिनिधि और वित्त सुपोषक संस्थाओं के प्रतिनिधि इसके निम्नानुसार सदस्य बनाए गए हैं। धारा 49 के अनुसार शासन की किसी भी संस्था को अधिकतम 25% तक अंश पूंजी दे सकता है। इस संशोधन के अनुसार राज्य शासन को समय समय पर शासकीय अंश पूंजी की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। इसी तरह से मध्य प्रदेश लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम संशोधन भी आज लाया गया है।
आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान और शायद हो सकता है विश्व के अंदर काम को बदले गारंटी के अंदर लाने वाली ये मध्य प्रदेश की सरकार पहली सरकार थी, और माननीय शिवराज सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके समय पर पहली बार ये लाया गया था, जिसके एवज में हमें पुरस्कार भी मिले। उसी में अब इस तरह का संशोधन किया गया है कि अब कोई भी जो समय सीमा, जितनी गारंटी में काम करने के समय सीमा है, जैसे 10 दिन है, और 10 दिन के अंदर अगर वो काम अधिकारी वो नहीं कर पाता है तो कंप्यूटर के अंदर इस तरह की व्यवस्था होगी कि उसे नामांतरण, जैसे मान लें हमने कहा कि 10 दिन के अंदर नामांतरण होगा या सीमांकन होगा या चिन्हांकन होगा, और वो 10 दिन में अंदर नहीं हुआ तो कंप्यूटर स्वयं 10 दिन के अंदर जनरेट करके उसे दे देगा। अब अधिकारी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनको तो सिर्फ उस 10 दिन का इंतजार करना होगा, और अधिकारी पर भी विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित रहेगी कि उसने क्यों नहीं ऐसा किया है। ये इसी तरह से मध्य प्रदेश श्रम संशोधन विधेयक भी आज कैबिनेट के अंदर पास हुआ है, उसके अंदर काफी महत्वपूर्ण निर्णय जो हमारे मजदूर भाई हैं, खासकर इस दौर के मजदूर जो लॉकडाउन के अंदर बाहर से आए हैं, प्रवासी मजदूर हैं और हमारे टेक्निकल हैंड्स वाले मजदूर भी हैं, अब उनके लिए भी उद्योगों के अंदर जो अभी तक 50 का प्रावधान था उसे 100 का किया है। पहले ये बात आ चुकी है कैबिनेट के माध्यम से, जो पूरा का पूरा छोटे और मधेले श्रमिकों की नियुक्ति और अवकाश के बारे में भी आज मंजूरी दी गई है। वर्तमान में सूक्ष्म उद्योगों को छोड़कर अन्य उद्योग श्रम कल्याण निधि व विनियम के अंतर्गत आएंगे। इस तरह से ये आज श्रम विधि द्वितीय संशोधन विधेयक और श्रम विधि संशोधन विधेयक दोनों आज मध्य प्रदेश के कैबिनेट के द्वारा पास किए गए हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।